हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग यानी चारों का मिक्सिंग। और यह जो है आप मिक्स करके किस तरह बनाते हैं, पहले किसका काम करते हैं, उसके बाद किसका करते हैं, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/2 गुना 2/6 प्लस 3/10 गुना 2/6, इसको किस प्रकार बनाएंगे। तो पहले क्या होता है आप लोग जानिए, पहले भाग का काम होता है, उसके बाद गुना का काम होता है, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटा का। यानी जोड़ घटा में तो समझ रहे हैं एक साथ ही हो सकता है, लेकिन पहले भाग का तब गुना का। तो इस तरह हम पहले चिन्ह के प्रयोग से करेंगे। तो यहाँ पर कैसे बनाएगा, तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर पहले इस दोनों भाग को एक भाग में बना लेंगे। इस दोनों भाग को एक भाग में बनाने का तरीका यही है कि इसको भिन्न को गुना कर लेंगे। तो भिन्न को गुना कैसे करेंगे, तो वो देखिए, इसको क्या करेंगे, 3/2 गुना 2/6। अब इसको काट देंगे तो 2 2 कट गया, 3 2 6 ये भी कट गया, यानी 1/2 आ गया इसका। फिर जोड़ है जोड़ दे देंगे। फिर यहाँ भी देखिए, 3/10 गुने 2/6, 3 से 3 2 6, 2 से 2 कट गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं ना कुछ, तो ऊपर में क्या, 1 1/2 जोड़, यहाँ भी पूरे पूरे कट गया तो ऊपर में क्या होगा, 1 1/10। अब दोस्तों यहाँ से सिंपल बन गया, और सिंपल यहाँ से कहने का मतलब भिन्न का जोड़ बन गया सिंपल से। अब इसको आप आसानी से लघुत्तम ले लीजिए, 10 आएगा। और इसको जिस तरह बनाते हैं, 2 5 10 तो 5 1 5, 10 1 10 तो 1 1 1, यानी 5 1 कितना हो जाएगा, 6, यही 6/ क्या होगा, 10। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन जो है आपको केवल गुना ही नहीं देकर आपको एक जगह गुना और एक जगह भाग दे देगा, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भाग पहले है, उसके बाद क्या दिया गया, गुना भी दिया गया, और यहाँ पर घटा का चिन्ह भी दिया गया है। तो इसको इस तरह बनाएंगे, तो पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम के लिए क्या करते हैं, 4/8 भाग को पहले गुना बनाते हैं, तो गुना ऐसे बनाएंगे और 12/4 हो जाएगा। फिर जैसे है वैसे चिन्ह दे देंगे, 2/6 गुना, ये तो गुना में है ये है। अब दो गुना का तो एक साथ काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो कट रहा काट देंगे, 4 4 कट गया, 4 से 4 2 8, 4 3 12, फिर यहाँ पर 3 3 9, तो इसको अब नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, 2 3 6, अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1/9। अब इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे, 2 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2 9 18, तो 3 9 27 माइनस 9 2 18, तो कितना बार में, 2 बार में, तो 2 लिख देंगे। तो 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, यही 25/18 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। इसी में अगर आपको क्वेश्चन को दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा 3/2 गुना 2/6 भागा 3/10 गुना 2/6, यहाँ पर क्या है, जोड़ नहीं देकर सिर्फ भाग और गुना दे दिया। तो पहले भाग का काम होगा, तो जैसे है उसको लिख देंगे वैसे, 3/2 गुना 2/6। अब पहले भाग को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट गुना में कर लेंगे। गुना में करने के बाद ये सिर्फ बदलेगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ ये वाला भाग बदलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट से इंडिकेट नहीं किया, सिर्फ यही वाला भाग बदलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/3, अब जैसे है फिर उस तरह लिख देंगे। अब जैसे है इसको काटेंगे, तो देखिए जैसे जो कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 3 से यहाँ 3 कट रहा है, 2 से 2 3 6 कट रहा है। अब ऊपर यहाँ पर देखिए, 2 से 5 और 2 से 3 ये कट गया, अब नहीं कट रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9, यही हमारा आंसर है। दोस्त देखिए, आप लोग को अगर काटने में प्रॉब्लम हो तो छोटा छोटा अंक रख के आप काटना सीखिए, जैसे 2 3 6 2 2 4, ये अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम होता है काटने में, क्योंकि काटने का स्पीड यदि आपको अभी बेहतर रहेगा तो आगे बहुत ही शानदार तरीका से आप काट सकते हैं, नहीं तो काफी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए जैसे भी बना, जैसे वर्ड आ गया 108/ आ गया है, जैसे
48 को कैसे काटेंगे, तो ये सब काटने में काफी दिक्कत हो सकता है। लेकिन अभी से ऐसे अगर आप दो दो से भी काटते हैं तो धीरे धीरे ये आपको प्रैक्टिस बन जाएगा काटने का। ये सब क्या जरूर ध्यान दीजिएगा काटने पर, वो अपने खुद से काटा कीजिएगा। जैसे दो से इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 54 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं फिर दो से काटेंगे, क्योंकि अभी अगर जो सीख रहे होंगे तो दो से काटेंगे, फिर तीन से काटेंगे, इस प्रकार काटते रहेंगे। जैसे दो से काटेंगे यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए 3 से 3 चौक 12, 3 9 27, यानी इसको काटने के बाद कितना आएगा 9/4। यानी काटने का एक्सपीरियंस आप बना कर रखिए ताकि आपको आगे बेहतर हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप जरूर बनाइएगा, और यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।